हेलो गाइस, आपका लवली फूड एंड एक्टिविटीज़ में स्वागत है। आज मैं आपके साथ में शाही मटर पनीर की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसमें लगने वाले ये मसाले हैं, सारे मसाले हम आपको शो करा रहे हैं। ये और ये प्याज, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, और ये काजू है, टमाटर है, इनको, ये पनीर है, मटर, फ्रोज़न मटर है अभी, और ये खोया। पानी गरम कर लिया है मैंने और इनको सभी को चॉप कर लिया है बड़े बड़े उसमें टुकड़ों में, देखिए। और ये प्याज डाल दिया है, अदरक डाल दिया, अब टमाटर भी डाल देंगे। इनको बिल्कुल एकदम से लूज पकने तक इसमें पकाएंगे। अब ये देखिए पक करके रेडी हो गए, इनको मैंने ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद में इनको सभी को पीसेंगे, इनका पेस्ट बनाएंगे, एकदम क्रीमी पेस्ट बनाएंगे। काजू डाल दिए ऊपर से, इनको मैंने उनके साथ में उबाला नहीं था क्योंकि ये थोड़े से क्रंची क्रंची मुँह में आते हैं, तो मैं ऐसे ही डाल रही हूँ इनको। ये पेस्ट बन के रेडी हो गया है, ऑयल भी हीट हो रहा है, रख दिया था मैंने। अब इसमें खड़े मसाले, लौंग, बड़ी इलायची और ये छोटी इलायची, सिनेमन का स्टिक और ये सारा मसाला मैंने उसमें डाल दिया है। अब ये सारे स्पाइसेस जाएंगे इसमें, धनिया, ये कश्मीरी मिर्च डाली है मैंने, और ये थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, ये ज़ीरा पाउडर डाला है, ये हल्दी पाउडर है, धनिया, गरम मसाला है, सॉरी, ये नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। अब इनको अच्छे से चला देंगे और इनका ऑयल स्प्रेड होने तक इसको अच्छे से भूनेंगे क्योंकि ये पेस्ट बन चुका है। जब ये पेस्ट होता है तो ये उछलता ज़्यादा है, इसलिए इसको ढक करके पकाएंगे। ये देखिए पक गया, अब ये इसे मैंने खोया डाल दिया। अब इसको भी अच्छी तरीके से इसमें करके पका लेंगे, मिल जाएगा खोया भी इसमें। 5 से 10 मिनट लगते हैं इसको अच्छे से पकाने में। और ये मलाई डालिए क्योंकि ये शाही पनीर है, मटर पनीर की सब्जी है, तो फिर इसमें ये मलाई भी डाल दिए मैंने 4 चम्मच भर के। अब इसको अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए इसमें बुलबुले आ गए हैं। अब इसमें पनीर डाल दिया है मैंने, अब मैं इसमें मटर भी धो करके डाल देनी है। इसको गाढ़ी पतली जैसे भी आप खाना चाहें अपने अकॉर्डिंग इसमें रस कर सकते हैं। इसको चाहे आप चावल के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, किसी के भी साथ में खाएं, बहुत अच्छी सब्जी बनती है ये। इसमें मैंने 1 गिलास करीबन ये पानी डाला है। ये गाढ़ी ही सब्जी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो चावल से खाने हो तो इसको पतला कर सकते हैं। ये बन चुकी है, सर्विंग के लिए रेडी है। देखिए, आपको अगर मेरी रेसिपी, मटर पनीर की शाही रेसिपी अगर पसंद आई हो तो फिर आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ये देखिए कितनी यम्मी टेस्टी लग रही है। ये गार्निशिंग के लिए हरे धनिया की पत्ती। थैंक यू।